जीवन में सुख और दुख नाम की कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ मानसिक अवस्था है। सुख और दुख वास्तव में तो कुछ है नहीं, ये केवल मानसिक अवस्था है। एक व्यक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हो रहा हूं, दूसरा व्यक्ति उसी को देख करके दुखी हो रहा है। एक भोजन को सामने देख करके एक दुखी हो रहा है और एक उसी भोजन को देख करके सुखी हो रहा है। यदि वस्तु व्यक्ति इनमें होता और सुख की अपनी वास्तविक सत्ता होती तो सुख तो सबको सुख मिलता, एक व्यक्ति को सुख एक को दुख वो नहीं मिलता। आतंकवादी यदि मारे जाते हैं तो कोई सुखी होता है कोई दुखी होता है, ये भेद क्यों? ये केवल मानसिक अवस्था ही तो है। हमें आतंकवादी हानिकारक लगते हैं, देश के शत्रु लगते हैं, तो उनके मरने पर हमें प्रसन्नता होती है और जो उनके पक्षधर हैं उन्हें दुख होता है। तो इस तरह की बातों को देख करके, इन घटनाओं को सोच करके ये विचार मन में आता है कि सुख और दुख तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, ये केवल मानसिक अवस्था है। देखिए सुख और दुख मन के ही गुण है, मन की स्थिति के अनुरूप ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। आत्मा को जिसमें अनुकूलता प्रतीत होती है उसमें सुख होता है और जिसमें प्रतिकूलता प्रतीत होती है वो दुख होता है। ये ठीक है कि मानसिक स्थिति है लेकिन वो कल्पित नहीं होता है, उसमें वास्तविकता भी होती है और कल्पना से भी किया जा सकता है। मान लो किसी को कोई बटुआ मिल गया, अब देख करके लालसा जगी, धन की इच्छा है और कुछ हाथ लगाया देखा तो ऐसा लगा कि कुछ रुपए होंगे इसमें, कोई सोना चांदी आभूषण होंगे, और जो गलत भावना वाले हैं जिनको वो लेने की इच्छा है तो प्रसन्न हो सकता है ये मान करके कि इसमें है। लेकिन खोलेगा तो उसमें कागज या कुछ और चीजें थी, सोने की चीजें नहीं थी, नकली आभूषण थे, तो उसका वो सुख चला जाएगा। तो जिस ज्ञान के आधार पर हमने अनुकूलता समझी थी वो वास्तव में अनुकूलता थी नहीं। तो ऐसा कल्पित सुख भी होता है और कल्पित दुख भी होता है, लेकिन हर सुख और दुख कल्पित हो ऐसा नहीं कर सकते। अब कोई मेरी उंगली काट दे यहां आकर के, अब जो मेरे को दुख होगा वो कल्पित है या वास्तविक है? जो दुख को कल्पित मानते हैं उनकी भी ऐसे ही उंगली काटी जाए तो हाँ, ये अंतर है कि कोई उंगली कटने पर बहुत अधिक दुखी हो जाएगा, कोई कम दुखी होगा। बाधा तो समान होगी, जितना दुख हमें मिलता है उसको हम अतिरंजित करके बढ़ा भी सकते हैं, कल्पित भी दुख कर सकते हैं, और सुख जितना मिला है उसको हम बढ़ा के कल्पित भी कर सकते हैं। ये सब होते हुए भी सुख और दुख की वास्तविक सत्ता ही है।